4 दशक बाद एक नारा आया जो लोगों के दिल में बस गया, लोगों को भा गया। आज से 40 साल पहले संघ परिवार ने एक नारा दिया था, जय श्री राम। लोगों ने इसको अपनाया, और जैसे जैसे समय बीता ये नारा भी उनके दिल में बस गया। बीजेपी का नारा नहीं था, ये आरएसएस का नारा था। अपोजिट पार्टियों ने बहुत गंदा माहौल बना रखा था। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म के लिए गलत गलत बात करने के लिए, सनातन संस्कृति हमारे ग्रंथों के लिए अलग गलत गलत बात करने के लिए। यहाँ पर विपक्ष ने और उनकी बातों ने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक अजीब सा माहौल हिंदुओं के हृदय में डर सा कर दिया। बांग्लादेश की घटना ने सबको हिला दिया। उसी समय ये ऐतिहासिक नारा आया, ठीक समय पे आया। हमारी जो हिंदू आस्था का प्रतीक है, उनको उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब का नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको सहज ही अपना लिया। उसको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी उसकी। लोगों को लगा यार ये तो हमारे दिल का नारा है, हमारे दिल में बसा हुआ है। गली मोहल्ले में लोग उसको बोलने लगे। आने वाले समय में ये नारा बहुत काम आएगा, हिंदुओं को जोड़ने में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक सत्य है। जब भी हम बटे हैं तभी हम कटे हैं। कितना बड़ा राज्य था, धीरे धीरे इसके टुकड़े हो गए। अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसको हमने बनाया, वहां पर हिंदुओं की ये दुर्गति। तो लोगों को लगने लगा कि जो विपक्षी दल हैं ये इंटरनेशनल ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान का भी वही हाल करेंगे जो कि बांग्लादेश का हुआ है। वो तैयार बैठे। और सरप्राइजिंग बात ये है कि योगी साहब ने ये नारा दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको सहज अपनाया, और आरएसएस के संघ संचालक ने भी इसको पूरा अनुमोदन किया। तो ये नारा जो 40 साल के दशक के बाद आया, हिंदू जनमानस में उसके दिल में बस गया है। और आने वाले समय में इसका आप कमाल देखेंगे। ये साइलेंट क्रांति है, ये डरे हुए हिंदू के दिल का नारा है। देखिए इसका क्या असर। मुझे तो ये नारा बहुत पसंद है।